कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरु जी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां शत प्रतिशत सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। जय माता दी। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, कौन नहीं चाहता अपने जीवन को बदलना। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में कोई भी परेशानी बिल्कुल ना आए, वो अपार खुशियां अपने जीवन में ला सके। लेकिन जब हमारे जीवन में कष्ट आ जाते हैं, दुख आ जाते हैं, तो बस व्यक्ति किसी तरीके से चाहता है कि उसके जीवन से हर एक परेशानी दूर हो जाए। और किसी ने दर्शकों सच ही कहा है कि एक सच्चे गुरु का जब हमें सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो हमारे जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं उनका निवारण होना बिल्कुल संभव है। और इस कार्यक्रम के दर्शकों यही तो खासियत है कि यहाँ पे आप लोगों को अपनी परेशानी बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। गुरु जी खुद आपको बताते हैं कि आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं उनके पीछे के कारण क्या हैं। तो आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगी, जो भी कॉलर यहां पे कॉल लगाते हैं, भूल करके भी अपनी परेशानी बिल्कुल नहीं बतानी है। दर्शकों, आज भी कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है गुरु जी आपका। नमस्कार जी। गुरु जी, आज बात करना चाहूंगी बच्चों को लेकर, माँ बापों को लेकर। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे कार्यक्रम में ज्यादातर जो कॉलर्स होते हैं वो अपने बच्चों को लेकर ही पूछते हैं। वो पढ़ाई में इतने पैसे अपने बच्चों के लगा देते हैं, उसके बावजूद भी उनके बच्चों को सफलता हासिल नहीं हो पाती है, फिर वो ज्योतिषी परामर्श लेते हैं। तो ऐसे माँ बापों के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल शैलजा जी, प्रत्येक जितने भी हम अभिभावक हैं, हम अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और रहना भी चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ चिंतित रहने से समस्या का समाधान हो पाएगा? चिंतित रहने से नहीं होगा, चिंतन करने से समाधान होगा। और इस संबंध में दर्शकों, मैंने कई बार आप सबों को बताया है कि हम बच्चों की पढ़ाई में 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्च कर देते, पैसे नहीं रहता है तो बैंक से लोन लेते हैं, बच्चों को शिक्षा देते, डिग्री मिलता। लेकिन क्या जब शिक्षा हो जाती, डिग्री हो जाती, उसके बावजूद भी जॉब नहीं मिलता तो कितने परेशान होते हैं वो घर, वो बच्चे या वो अभिभावक। तो हर बिंदु पर, हर मोड़ पे हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हम एक ज्योतिष का सहारा लेते हैं, इसके अशुभ दोषों का निवारण करते हैं, रत्नों का धारण करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में बदलाव आता है और मेरा जीवन जो है सुखमय हो जाता है। तो हम खास करके अभिभावक से कहना चाहेंगे कि कोई भी अभिभावक ऐसे हों जो बच्चों को शिक्षा दिलवा रहे हों, बच्चे पढ़ रहे हों, उनकी विवाह की बातें हो, जॉब की बातें हो, समस्या कोई भी हो, आप एक अच्छे ज्योतिष से मिलने का प्रयास करें और कोशिश करें कि आपको एक शब्द बोलना नहीं पड़े। ज्योतिष का मतलब ही ये होता है कि जो ज्योतिष जी होते हैं वो खुद बताएंगे कहाँ कहाँ क्या समस्या है। हमें भी जब सुबह में 9 से 10 बात होती है, लोग कहते हैं गुरु जी मुझे कुछ पूछना है, तो मैं सीधे कहता हूँ पूछने का कार्यक्रम मेरे यहाँ होता ही नहीं है। ज्योतिष तो खुद अपने आप में एक ऐसा विद्या है कि आपके हर प्रश्न का सवाल और जवाब दोनों मिल जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि ज्योतिष जी आपके ऐसे हों जो आपके सवाल भी हो जाएं और आपके जवाब भी हो जाएं। लेकिन क्या सिर्फ फ़ोन से बात करने से समस्या का समाधान हो पाता है? कभी नहीं होगा। जब तक आप मिलेंगे नहीं, कभी समाधान नहीं हो पाएगा। दर्शकों, ये याद ध्यान रखें कि जितने भी पब्लिक कंसर्निंग के 3 मुख्य प्रोफेशन हैं, जैसे मैं डॉक्टर की बात करूँ, वकालत की बात करूँ या ज्योतिषी की बात करूँ, कभी भी आपको फ़ोन पर समाधान नहीं हो पाएगा जब तक कब मिलेंगे नहीं। और कभी भी इसे नज़रअंदाज में नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानव के जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान की तरह ज्योतिषीय परामर्श, ज्योतिषीय निवारण अति आवश्यक है।
बिल्कुल दर्शकों, तो यही तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सच्चा गुरु वही जिसे आपकी परेशानी खुद पता चल जाए आपके बिन बताए। और इस कार्यक्रम में दर्शकों आप लोगों को सीधे सटीक जानकारी देते हैं गुरु जी। तो लाइव कार्यक्रम चल रहा है, अगर अपने जीवन को वाकई में परिवर्तित करना चाहते हैं, नंबर आपके सामने लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, बस इन्हीं नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। चलिए अब कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अखिल जी हैं मेरठ से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जय माता दी। सर जी जय माता दी। जय माता दी। बताइए जन्म तिथि बताइए जी। 1 फरवरी 1982। समय 2:30 AM मेरठ। जन्म स्थान आपका मेरठ है जी। लाइन पे रहिएगा। क्या नाम है इनके? अखिल। अखिल जी हमें लग रहा है कि आपके बारे में किन्हीं ने और कोई बात की है क्या हमसे? जी आचार्य जी आपके बारे में किसी ने हमसे और कभी बात की है? हेलो। हाँ मेरे मेरे फादर मिले थे आपसे एक बार। बात की है तो मैं बता दूं आपको, अभी मैंने जस्ट कहा है, आप 50 बार ये बात कर लेंगे आपको जिंदगी में कोई लाभ नहीं मिल पाएगा जब तक कि आप मिलेंगे नहीं। आप एक बार कॉल कर लें, 2 बार कर लें, 5 बार कर लें, 10 बार कर लें, 50 बार कर लें, मेरे कार्यक्रम में जब भी कॉल करेंगे तो हमारे यहाँ आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा बताने का क्या क्या समस्या है। हमें एक ऐसा माता रानी ने हमें आशीर्वाद दिया है कि हम जिससे मिल लेते हैं ना तो 50 वर्ष बाद भी नहीं भूलते हैं। हम एक बार उनकी कुंडली देख लेते हैं ना मेरे ब्रेन में फिट हो जाता है, तो मालूम हो जाता है कि मैंने इसको देखा है। आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है, राशि मेष राशि है। सबसे पहले थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, इरिटेशन कम लें। दूसरी बात, मैंने आपके पिताजी को बताया था कि आपके 6ठे घर से बना हुआ केमदन योग आपको हेल्थ में प्रॉब्लम करेगा, करियर मैरिज दोनों में प्रॉब्लम करेगा। चंद्रमा की आगे पीछे खाली, पूरी लाइफ खाली, और वृश्चिक लग्न में भाग्य का मालिक चंद्रमा हो जाता, चंद्रमा से बन गए आपके केमदुम योग, तो कुंडली कहता है आप जीवन भर खटोगे 18 घंटे का तो फल मिलेगा 1 घंटे का। जैसे 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 आप आगे बढ़ते जाएंगे आपकी समस्याएँ भी बढ़ती चली जाएंगी। तो मैं आपसे कहने का प्रयास करूँगा कि आप 25 ज्योतिष से मिले, खाली रोज़ रोज बात करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैंने जस्ट भी आपको समझाया है कि 3 प्रोफेशन ऐसे हैं जो फ़ोन से समाधान नहीं हो सकता, चाहे वो ज्योतिषी हो, वकालत हो या डॉक्टरी हो। तो आप एक बार मिलने का प्रयास करें, मिल करके समाधान करें, नहीं तो आपको जीवन समय निकलते जाएंगे, कुछ लाभ मिल नहीं पाएगा। चलिए नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। सुनील खन्ना जी हैं पंजाब से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी जी हाँ जी जी सुनील जी बताइए जन्म तिथि बताइए। 29/10/1993। समय? समय 3:30 सुबह के। जन्म स्थान? जन्म स्थान खन्ना। ये कहाँ पड़ता है? खन्ना पंजाब में जी, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। ये आपकी डिटेल्स हैं? नहीं बेटी की है, चारू गर्ग। अच्छा लाइन पे रहिए। क्या नाम है बच्चे का? चारू। चारू गर्ग। चारू। इनकी कुंडली बनाए हैं? हाँ जी हाँ जी। अभी है पास में? मेरे पास हाँ? कुंडली चाहिए आपको? अरे मैंने पूछा आपके पास अभी कुंडली है या नहीं? नहीं है। तो आप बोलते बनाए हैं? नहीं बनाई जी। क्या भैया झूठ बोलते हो, इस ज्योतिष से भी आप झूठ बोलते हो। अभी आपने मैंने पूछा बनी है, आपने कहा हाँ बनाए हैं। मैंने पूछा पास में है, तो फिर आप कहते हो नहीं बनी है। इस तरह से आप हमसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, आप अपने आप को खराब कर रहे हैं। दर्शकों आज लोगों में एक होड़ लग गई है पैसे कमाने की, पैसे कमाने की, तेज चलने की। लोग चाहते हैं कि किसी को भी हम धोखा देके कैसे पैसे कमा लें। तो आप एक चीज़ याद रखें, चाहे ज्योतिष महोदय हो, डॉक्टरी हो या कोई भी हो, यदि कोई किसी को धोखा देता है ना, वो धोखा देता नहीं, खुद को धोखा लेता है। आप किससे झूठ बोल रहे हैं? आप अपने बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं। आपके बच्चे की कुंडली में इनके 7th घर से बन रखे हैं केमद्रुम योग, इसीलिए मैंने कहा यदि बनी है तो कुंडली कहाँ है। चंद्रमा इनके 12 नंबर में है, आगे पीछे बिल्कुल खाली, इसकी पूरी लाइफ खाली कर देगी, आप बात मान लेना। मैंने कई कुंडली दर्शकों को देखा ऐसे कि एक बच्चे की 3-3, 4-4 शादियाँ हो गई, आज चारों के चारों बर्बाद हो गए और आज अकेले बच्चे खराब परेशान हो रखे हैं। इनकी कुंडली में ऐसे बच्चों को तो विवाह नहीं होने देगा, और विवाह हो गया तो चलने नहीं देगा, क्योंकि 7th घर से ही इनके बने हैं केमद्रुम योग, 9वां से बना हुआ है पितृदोष, और साथ में ग्रहण योग।
तो इस कंडीशन में ऐसे बच्चों का कैरियर और मैरिज दोनों का दोनों खराब कर देता, और आप उपाय नहीं करेंगे तो बच्चे आपके धीरे धीरे चले जाएंगे डिप्रेशन में, और फिर आपको डॉक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने टाइम दिया है 3:30, 3:30 से इनका जो लग्न है वो आ रहा है 0 डिग्री में। 0 डिग्री का मतलब होता है दैट इज द बॉर्डर पॉइंट, अर्थात जब सिंह लग्न से कन्या लग्न प्रवेश हो रहा था उसी टाइम बच्चे का जन्म हो गया। तो कुंडली कहता है 1 मिनट में इनकी पूरी कुंडली बदल जाएगी। तो क्या जन्म के समय 1 मिनट घड़ी आगे पीछे नहीं हो सकता क्या, चाहे वो डॉक्टर की घड़ी क्यों नहीं हो? तो इस कंडीशन में हम आपको उचित सलाह देंगे कि आप बच्चे ज्योतिष से मिले और बच्चे का हस्तरेखा भी दिखाएं। क्योंकि क्या होता है, मैं देखता हूँ कि लोग डेट ऑफ बर्थ टाइम देते हैं और गुरु जी उसके अनुसार कुंडली बना करके दे देते हैं, कभी लाभ नहीं मिलेगा उससे। यही जहाँ पे बॉर्डर पॉइंट आ गया 0 डिग्री है 30 डिग्री है, तो ज्योतिष का फर्ज बनता है कि उसके टाइम को हम सर्च करें कि कहीं आगे पीछे तो नहीं है। तो आपको हम परामर्श देंगे कि अच्छे ज्योतिष से मिल करके पहले इनकी 24 कुंडली बनवाएं, ऐसा जगह कुंडली बनवाएं जहाँ 24 कुंडली बनती हो, और इसको फॉलो करें। फॉलो नहीं करेंगे तो बच्चे का करियर और मैरिज दोनों का दोनों खराब हो जाएगा और आप परेशान परेशान हो जाएंगे। चूँकि लग्न इनका 0 डिग्री में है, 0 डिग्री होने के अनुसार हम अभी परफेक्ट नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुंडली कह रहा है कैसे बच्चे 2015 से परेशान जा रहे हैं, जून 15 से, अर्थात हम कह सकते हैं कि 16, 17, 18 इनका समय अच्छा नहीं गया है, डिस्टर्ब जा रहा है। मिल करके उपाय करके इसका रास्ता लें तो बच्चे का उज्जवल भविष्य बने। जी, सहमत हैं आप गुरुजी की बात से? जी। चलिए, अगर आप सहमत हैं तो एक सफल ज्योतिषी का परामर्श आपको जल्द से जल्द लेना है, क्योंकि गुरुजी ने आपको यहाँ पे साफ बता दिया है कि एक बार अपनी बेटी की हस्त रेखा अवश्य दिखा लीजिएगा, बाकी समस्त डिटेल्स आपके सामने फ्लैश की जा रही हैं। जिन कॉलर्स का अभी कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता है, परेशान बिल्कुल ना हो, अगली सुबह 9 से 10 के बीच आप लोग गुरुजी से बात कर सकते हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है एक छोटे से ब्रेक का। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं? चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं हमारे बेहद खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में। दर्शकों, गुरुजी ने आज तक जितनी भी भविष्यवाणी की है वो एकदम सटीक साबित हुई है, जिसका सत्यापन आप हमारी वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री हो, वर्तमान प्रधानमंत्री हो, वर्ल्ड कप हो, या जितनी भी आज तक पॉलिटिकल भविष्यवाणी गुरुजी द्वारा की गई है वो एकदम सटीक साबित हुई है, यानी कि सत्य साबित हुई है। और जैसा कि आप लोग कहते हैं कि आप लोग गुरुजी की बात से सहमत हैं, तो इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं दर्शकों की गुरुजी सिर्फ आपकी डिटेल्स के माध्यम से आपके जीवन का पूर्ण ब्यौरा आपको बताते हैं। अगर आप लोग भी अपने बारे में जानना चाहते हैं, लाइव कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग सीधा गुरुजी से बात कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ा लेते हैं, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ अंजना जी हैं अहमदाबाद से, स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी गुरुजी। जी बताइए, जन्म तिथि बताइए। ये सुशांत नाम है, 12 जनवरी 2000। समय सुबह 9:55। जन्म स्थान नवादा डिस्ट्रिक्ट बिहार में। आपकी बेटी का नाम सुशांत? जी। कहाँ रहते हैं आप? ये अहमदाबाद में रहते हैं। अहमदाबाद में जी। इनकी पत्री बनी है? जी बनी है गुरुजी। ये कुंभ लगन है, इनके राशि भी कुंभ राशि है। इनकी कुंडली में बहुत ही सुंदर योग बना है, और वो राजयोग 3 बना हुआ है। चंद्र मंगल का एक राजयोग बना है, एक गुरु शनि से बना है, और सूर्य बुध से बुधाति योग और राजयोग दोनों बना है। तीन तीन राजयोग होने का मतलब होता है कि ऐसे बच्चे का सुपर लाइफ, अर्थात ऐसे बच्चे UPSC मारे तो वहाँ भी डन, क्लियर। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम भी उतनी ही बड़ी है। आपने कहा कि कुंडली तो बनी है, दर्शकों कुंडली बनने से नहीं होता है, कुंडली बनाने वाले कैसे हैं उससे होता है। अब सबसे पहले
अपने बच्चे की जन्म कुंडली खोल करके देखेंगे कि क्या उसमें 24 कुंडली है। जो चक्र बनता है उसी को हम कुंडली कहते हैं। तो 24 कुंडली पहले सर्च करेंगे कि 24 कुंडली है या नहीं। चलिए मैं बताता हूँ कि कुंडली क्या कह रहे हैं। एक ओर तो जहाँ तीन तीन राजयोग बना है जो कहता है सुपर लाइफ होनी चाहिए, तो दूसरी ओर लग्न कुंडली के जस्ट बगल में एक नमाश कुंडली होता है। लग्न कुंडली नमाश कुंडली 90% लोग बनाते हैं। अब नमाश कुंडली खोल करके देखेंगे चंद्रमा इनका 3 नंबर में है और आगे पीछे बिल्कुल खाली। जिस तरह से चंद्रमा के आगे पीछे खाली होता है मैंने देखा है, उसी तरह से व्यक्ति के जीवन को पूरा खाली कर देता है। तो कुंडली की सीधे से गणना होगी कि तीन तीन राजयोग होने के बावजूद भी बच्चे का ना तो लाइफ सेटल होने देगा ना तो इनको मैरिज होने देगा। दोनों का दोनों बिल्कुल रोग लगा रखा है। आप उपाय नहीं करोगे तो बच्चे की पूरी लाइफ धीरे धीरे खराब हो जाएगी। अब अच्छा समय आएगा, अब अच्छा समय आएगा, इंतजार करते करते इनकी पूरी समय निकल जाएंगे। कुंभ लग्न की कुंडली है, कुंभ राशि है। कुंभ लग्न की कुंडली में लग्नेश शनि राशि का मालिक शनि और शनि का दशा चल रहा हो तो फिर कहने की बात क्या, अर्थात बहुत टॉप टाइम। 2006 से इस बच्चे का गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है, अर्थात 6 में आज 19 की बात करें तो 13 वर्ष इनका जिंदगी का टॉप टाइम निकल गया। लेकिन ये केंद्रम योग 20 दोष चंडाल दोष इनको टॉप का लाइफ में नहीं देगा और बच्चे आपके परेशान परेशान रहेंगे। खास करके 2016 से लेकर के मई 22 तक इनका समय बिल्कुल रिवर्स है। आप उपाय नहीं करोगे, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। देखते देखते समय निकलते जाएगी और परेशान हो जाएंगे। तो अच्छे ज्योतिष से मिल करके इनकी 24 कुंडली बनवा करके इनकी समस्याओं का समाधान करवाएं। इस कुंडली के अनुसार ऐसे बच्चों को 99% गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। UPSC निकल जाए ये भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इतनी दूर तक इनके सोच होने नहीं देंगे। क्यों? कि केमदुम योग 20 दोष चंडाल दोष इनका पीछा छोड़ेगा ही नहीं। जी, सहमत हैं आप गुरु जी की बात से? जी जी। चलिए, अगर आप सहमत हैं तो जल्द से जल्द आपको क्या करना है, एक सफल ज्योतिषी का आपको परामर्श लेना है। जो भी वो उपाय आपको बताते हैं वो आप जल्द से जल्द कीजिएगा। बाकी समस्त डिटेल्स आपके सामने लगातार फ्लैश की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। बजराज सिंह जी जी हमारे साथ अजमेर से, स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद। बताइए जन्म तिथि बताइए। 9 फरवरी 1960। 9 फरवरी 1960। जी, समय 3:15। ये कब के हैं जी? 3:15 कब के हैं ये? 3 PM। PM, हाँ जी। जन्म स्थान किराप, दोबारा KIRAP, एक बार दोबारा बताइए। KIRAP। कौन सा जिला में है ये? अजमेर। हमेशा दर्शकों जिले का नाम बताएं, गांव नहीं आता है, जिले का नाम बताएंगे? अजमेर। हाँ जी, आपकी कुंडली बन रखी है जी? क्या निवारण किया? चलिए अब मैं इन्हीं से बात करता हूँ। दर्शकों आज इंडिया में 132 करोड़ आदमी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और हमारे पास जो समस्याएं, जो मेन बातें होती कि जो मैं कहता कि समस्या बिल्कुल मत बताना, और आप जो हमें हाँ कहते हैं गुरुजी मैं सहमत हूँ, तो आप ध्यान रखें मेरे यहाँ कोई फॉल्स कॉल नहीं होता। कुछ लोगों का कॉल आ जाता बाद में कि क्या गुरुजी आप अपने कॉल को लगा के बात कराते, मैं अभी कभी ऐसा नहीं करता हूँ ना करूँगा जीवन में। मैं अपने प्रोफेशन से कभी भी बेईमानी नहीं कर सकता, चाहे जो हो जाए। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, कुंडली तो बन गई आपकी, 1960 का जन्म है, तो आप समझ लें कि आपकी कुंडली के अनुसार आपका 59वां साल निकल रहा है। तो आपने जो कुंडली बनाई तो इस कुंडली से कुछ निवारण आपने किया है? हेलो, हाँ जी। आपने कुछ निवारण किया? कुंडली बनी नहीं तो, फिर क्या फायदा? डॉक्टर से दिखाया जी सर, दवा खाया जी नहीं सर, तो फिर फायदा क्या मिलेगा आपको? आपकी कुंडली खोल कर देख लेना, चंद्रमा आपके 3 नंबर में आगे पीछे खाली। हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपका 59 साल निकल गया और आपकी जिंदगी में सब कुछ रहते आपको सुख नहीं होने देगा। ये सूर्य और चंद्रमा की तरह इसमें सत्यता है, आपकी जिंदगी के कितने अच्छे अच्छे समय निकल गए, लेकिन आपकी कुंडली में लग्न में ही बना हुआ है केमद्रुम योग।
जिसकी दृष्टि सीधे पड़ेगी सप्तम घर पर, पत्नी के घर पे, पत्नी में ही परेशानी, पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानी, दंपत सुख में परेशानी, आपके हेल्थ में प्रॉब्लम करेगा, हर बनता बनता काम बिगाड़ेगा, आप खटेंगे 18 घंटे का तो फल मिलेगा 1 घंटे का, पूरी लाइफ आपकी गोल कर रखी है, एकमात्र केमदुम योग। दर्शकों आपको हम स्पष्ट बता दें, एक कुंडली को देखने में कम से कम 1 घंटे का समय लगता है, 2 मिनट में कभी ज्योतिषी नहीं हो सकती। मैं जो कुछ बातें बता देता हूँ ये माता रानी का आशीर्वाद है कि आपको बोलना नहीं पड़ता। और दूसरा बात आपको मैं भी बता दूँ कि 2015 से, मई 2015 से आपके निगेटिव दशा शुरू हो चुका है, जो आपको आने वाला समय में अक्टूबर 20 तक डिस्टर्ब रखेगा। आपके लग्न कुंडली में भी है केमदुम योग और नवमांश में भी बना हुआ है केमदुम योग। आप कुंडली खोल करके देखें, सिर्फ कुंडली बनवा लेने से, ज्योतिष से बात कर लेने से कभी लाभ नहीं मिलेगा। कभी कभी बहुत दुख होता है दर्शकों कि मेरे लाख कहने के, समझाने के बावजूद भी लोग इसको फॉलो नहीं करते। कितनी कुंडली मैंने देखा है, मेरे पास में आए, मैंने बना दी, सारा प्रॉब्लम निकाल दिया, मैंने समझा दिया कि जब तक निवारण नहीं होता है बच्चे की शादी मत करना, और इसके बावजूद भी शादी हुई और डाइवर्स हुआ और बच्चे की लाइफ खराब हो गई। तो काश आप कोई काम करने के पहले आप रास्ता निकाल लें तो आपका काम सफल हो जाएगा। तो आपकी कुंडली में भी जो आपकी स्थिति बन रखी है, हम तो आपको विश्वास के साथ फिर वही बात कहेंगे कि आपकी पूरी लाइफ को अब तक स्ट्रगल करवा रखा है। तो अच्छे ज्योतिष से मिलें, मिल करके आप जब मिलें तो उनसे पूछें ज्योतिष महोदय से कि मैं कैसे मानूं कि मेरी कुंडली में केमदुम योग है। कोई कह देंगे केमदुम योग, कोई कह देते काल सब दोष, कुछ दोष निकाल देते, लोग पूजा भी करवा लेते, फ़ायदा भी नहीं मिलता। तो आप ज्योतिष महोदय को सेवा शुल्क देते हैं, फीस देते हैं, आपका अधिकार बनता है। आप उनको बोलें कि महाराज मैं कैसे मानूं कि मेरा केमदुम योग है, और मैंने यदि कहा, आपको लग रहा है कि मैंने सही कहा है, तो जितना जल्दी उपाय करेंगे आपको लाभ मिलना फिर शुरू हो जाएगा। जी, सहमत हैं आप गुरु जी की बात से? जी जी, चलिए सहमत हैं तो जल्द से जल्द आपको करना क्या है, एक सफल ज्योतिषी से आपको संपर्क करना है। देखिए, समय निकलने से अच्छा है कि आप समय रहते अपनी समस्याओं का निवारण करवा लीजिए दर्शकों। और इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, जिस भी ज्योतिषी का आप लोग परामर्श लेंगे उनको परेशानी बिल्कुल नहीं बतानी है। अगर परेशानी बता देंगे तो कैसे आप लोग ये समझ पाएंगे कि आपने एक सफल ज्योतिषी का परामर्श लिया है। बाकी समस्त डिटेल्स आपके सामने लगातार फ्लैश की जा रही हैं, जिन कॉलर्स के यहाँ पे कॉल नहीं लग पाता है, अगली सुबह 9 से 10 के बीच आप लोग गुरुजी से बात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ दीपक जी जुड़े हैं गंगानगर राजस्थान से। जय माता दी। जय माता दी जी, जन्म तिथि बताइए। 13/12/2004। समय 12:32 दोपहर के। जन्म स्थान श्री गंगानगर राजस्थान। ये किसकी डिटेल्स हैं? ये कबीर है, बेटा। बेटा कबीर। कबीर जी, ये इनकी कुंडली बन रखी है कुंभ लग्न की, राशि धनु राशि हो रखा है। दर्शकों लोग मुझे कहते हैं कि गुरुजी आपको सबको केमदुम योग निकाल देते हैं, मैं करूं तो क्या करूं? अब निकलते हैं तो मैं गलत बोल दूं कि नहीं है? आप एक चीज बताइए, आज के टाइम में देखते हैं कि हॉस्पिटलों में भीड़ लगी रहती है, कोर्ट कचहरी में भीड़ लगी रहती है, तो क्या कोर्ट कचहरी में कोई शौक से पहुँचते हैं क्या? जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, केस मुकदमा का चक्कर नहीं लगेगा, तो कोर्ट में क्यों जाएगा? जब तक हम बीमार नहीं रहेंगे तो डॉक्टर के यहाँ क्यों जाएंगे? जब तक कोई समस्या नहीं है तो ज्योतिष से क्यों बात करेंगे? और यदि कोई समस्या है तो कुछ ना कुछ योग तो निकलेगा ही, तब तो आप परेशान हैं ना। तो मैंने आपको इसलिए कहा कि आपके बच्चे की कुंडली में भी दशमांश में बन रखे हैं केमदुम योग, जहाँ से हम करियर देखते हैं। बच्चा का एज 2004 का मतलब 15 साल उम्र हो चुका है। इस कुंडली में आप उपाय नहीं करेंगे तो सीधे दृष्टि पर रखिए पंचम घर पर, जो कि इनकी उच्च शिक्षा को खराब कर देगा, अर्थात इनकी करियर को और मैरिज को, दोनों को डिस्टर्ब कर देगा। मंगल केतु का एक अंगारक योग बना है जो भाग्य स्थान में बना हुआ है। हर व्यक्ति कर्म करता, हर बच्चे कर्म करते हैं, हर बच्चे पढ़ते हैं, एक ही मास्टर, एक ही क्लास, कोई टॉप आता, कोई फेल होता, कोई मीडियम में रहता, कोई आईएएस बन जाता, कोई क्या होता। तो कहने का मतलब, जो जोग बनते हैं, जो निगेटिव जोग हैं, जो समस्याएं हैं, यदि उसको समाधान कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इस बच्चे का जीवन जो है बहुत टॉप का हो जाएगा। एक कुंडली में ऐसे बच्चों को डिग्री मिलने के बाद एक बार यूपीएससी जरूर मारना चाहिए। आप सोच लें कि जब मैंने यूपीएससी कहा है तो कुंडली कहाँ तक होगी, लेकिन वो लाभ इनको मिलने नहीं देगा। कारण कि भाग्य स्थान में अंगारक योग बना है,
9 मांस में गारंग योग बना है, 10 मांस में केमदुम योग बना है। कुंडली कह रहा है बच्चा मेहनत करेगा 1 घंटे का तो फल मिलेगा 23 घंटे का, मतलब महाभाग्यशाली। लेकिन जो कह रहे हैं बच्चा पढ़ेगा 8 घंटे का तो फल मिलेगा 1/2 घंटे का। तो आप समय रहते किसी अच्छे ज्योतिष से मिल करके पूरी 24 कुंडली बनवा लें और बनवा करके उपाय करवा लें। क्योंकि मैंने अभी अभी जस्ट कहा था कार्यक्रम स्टार्ट होने के पहले कि हम बच्चों को पढ़ाई में 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्च कर देते, पैसे नहीं होता तो बैंक से लोन लेते, लेकिन जब कैरियर नहीं बनती तो दोनों परेशान हो जाते। तो इनकी कुंडली में दशम घर में भी बना हुआ है राजयोग, जो कि इंडिकेशन देता है कि ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। लेकिन आप उपाय नहीं करेंगे तो इनको प्राइवेट जॉब भी नहीं होने देगा, और जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे इनकी कॉन्सेंट्रेशन खराब होगी, करियर खराब होगा और मैरिज भी डिस्टर्ब करेगा। वर्तमान दशा की बात करते हैं तो जिंदगी का टॉप टाइम जा रखा है। दर्शकों आप देखिए जिंदगी का टॉप टाइम जा रहा है लेकिन बच्चे परेशान। वो टॉप टाइम क्यों? कि कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्र की महादशा टॉप का टाइम हो जाता, लेकिन शुक्र में बुध के रहने के बावजूद भी बच्चे को लाभ नहीं, तब तो आपने फ़ोन किया। तो बस हमारी गाड़ी में प्लग शॉर्ट कर गया, जिस दिन प्लग चेंज कर देंगे गाड़ी सही हो जाएगी। तो आप भी अपने बच्चे की कुंडली एक अच्छे ज्योतिष से बनवाएं, जहाँ पर आपको एक शब्द बोलना नहीं पड़े, पूरी 24 कुंडली बने और इनकी समस्याओं को समाधान कर लें। अन्यथा समय निकलते जाएगा, बच्चे भी परेशान रहेंगे, आप भी परेशान रहेंगे। और दर्शकों शैलजा जी ने तो कहा है, मैं आपको फिर से कह दूँ, मेरा 2 मूल मंत्र ध्यान रखना, जिंदगी में कभी ठगे नहीं जाओगे। पहला मूल मंत्र क्या है? कभी भी समस्या नहीं बताने का। और दूसरा मूल मंत्र क्या है? यदि रत्न लेना पड़े तो ऐसे जगह से लेना जहाँ से 10% काट के पैसे वापस होते हों। दर्शकों आज हम इस कार्यक्रम से आपको खुला निमंत्रण दे रहे हैं कि आप हमसे दिखाए हों ना दिखाए हों कोई मतलब नहीं है। यदि आपको रत्न लेना पड़े तो आप इस संस्थान से जब भी लेने का प्रयास करेंगे तो आपको 10% काट करके पैसे वापस होंगे। मैंने देखा है लोग ऐसे फंसते हैं, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख फंस जाते हैं और रत्न 5 रुपये का नहीं होता। जाते वापस करने के लिए कहते हैं कि नहीं मेरे यहाँ वापस नहीं, कैसे वापस करेगा? रत्न दिया आपको 1,000, ले लिया 2 लाख रुपया, तो वापस कैसे करेगा और आप फंस जाते हैं। तो इस तरह से आप फंसे नहीं, जहाँ रत्न खरीदें तो बिल के साथ ले और उनको बोले आप लिख के दे 10% काट के वापस। बस जिंदगी में कभी ठगे नहीं जाएंगे और आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। जी सहमत हैं आप गुरु जी की बात से? चलिए सहमत हैं तो आपको करना क्या है, आप जल्द से जल्द उपाय करा लीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। जिन कॉलर्स के यहाँ पे कॉल नहीं लग पाया है वो अगली सुबह 9 से 10 के बीच गुरुजी से बात कर सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देने का समय आ चुका है। गुरुजी आपने अपना कीमती समय हमें दिया, जय माता दी। नमस्कार जी, जय माता दी, दर्शकों को शुभरात्रि, जय माता दी। सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी, परामर्श शुल्क जन पत्रिका के साथ 11,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रूपए, अकाउंट नंबर SBI बैंक 3364257906, IFSC कोड SBIN00160090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं, YouTube बदल दे किस्मत, Facebook आचार्य शिवानंद, WhatsApp नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।